go everybody, my name is Vasi, welcome back to my YouTube channel. How are you doing? Hope you guys are having a fantastic day. यार इस बंदे ने मुझे आज ब्लॉग नहीं बना देना, आज हम रिव्यू करने आए हैं अजान भाई की गाड़ी का। ये वही बंदा है जिसके पास पहले होंडा सिविक होती थी ब्लैक वाली, जिसको मैंने पूरा स्प्रे पेंट से भर दिया था। वीडियो में ही आपको कहीं उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो कैसे हैं अजान भाई आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, हमारे पीछे आपको जो गाड़ी नजर आ रही है ये अजान भाई ने ब्रांड न्यू गाड़ी ली है। ब्रांड न्यू तो नहीं है इनके लिए, ब्रांड न्यू वैसे गाड़ी 2010 मॉडल है। यस, और इसका आज हम करने लगे हैं एक छोटा सा रिव्यू। और मैंने बाइक से बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ किए हुए हैं अपने चैनल पे, लेकिन गाड़ी का कभी नहीं किया, तो ये पहला आज गाड़ी का रिव्यू होने जा रहा है। तो सबसे पहले अजान भाई आप मुझे ये बताएं कि इसका मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? ये है GLI 2010 है, 1.3 जो इन्होंने बोला ये झूठ बोला है वो आपको वीडियो में बाद में बताएंगे। और अच्छा, तो हम रिव्यू इतना स्टार्ट करेंगे, हम गाड़ी के फ्रंट पे आएंगे पहले, उसके बाद साइड पे और बैक पे। अच्छा अजान भाई, तो मुझे ये बताएं कि आपने अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशंस कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे और कौन कौन सी करवाई हैं? ये मैंने बड़ा घूम फिर के करवाई है, कभी रिम्पा, कभी ये जो होटल में, कभी कहीं, कभी कहीं, जगह। बड़े खज्जल हुए हैं भाई गाड़ी के, बड़ी जलालत के बाद जी जाए किसी नतीजे पे पहुंची है गाड़ी। हाँ, और माशाल्लाह नतीजा बड़ा मजे का निकला है इसका। पहले आप फ्रंट के बारे में बताएं क्या क्या मॉडिफिकेशन हमने करवाई हैं। फ्रंट पे बॉडी किट लगी हुई है, स्प्लिटर्स लगे हुए हैं, साथ में LED लाइट्स हैं, फ्लैशर्स हैं, बोनट हुड पेंट बल गए, बस और मैं यही चीज़ें। अच्छा, और माशाल्लाह से फ्रंट की लुक इसकी बड़ी अग्रेसिव टाइप बनाई है हमने। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी साइड पे। साइड पे मुझे सबसे पहले बताएं आपने रिम कौन से लगाए? साइड पे प्रोजेक्ट डी के रिम्स हैं 17 इंच के। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये रिम तीसरे रिम है इस गाड़ी के ऊपर, उसको लिए अभी हमारे कितनी देर हुई है? इसको हो गए हैं तकरीबन मेरे ख्याल से 6 to 7 months हो गए हैं, और हमने 3 रिम ऑलरेडी इस पर चेंज कर लिए हैं। इसने पहले लिए थे ब्लैक कलर में, कौन से लिए थे हमने? वूजन के रिम लिए थे, उसको ये भाई ने टेढ़ा कर दिया, पता नहीं कहाँ मारा, रिम टेढ़ा हो गया, वो हमने चेंज करवाए, दूसरे लिए। वो दूसरे कौन से लिए थे? दूसरा रिम का नाम याद नहीं है, दूसरे रिम का नाम याद नहीं है, वीडियो आपके यहाँ पे मिल जाएगी। वो वाले रिम वो भाई को थोड़ी देर उसने चलाए हैं, उसके बाद रिम और टायर दोनों चेंज करा दिए हैं, अब माशाल्लाह से ये वाले लगाए हैं। रिम की वजह से गाड़ी की लुक बड़ी मजे की निकली है। कोयलोवर्स वगैरह लगे हुए हैं इसमें, मतलब ये 4-way कोयलोवर्स हैं इसमें, बॉडी किट वगैरह सारी आपको जैसे बताया पहले लगी हुई है, और बस यही है चीज़ें। गाड़ी ड्रॉप हुई है, गाड़ी इतनी ज़्यादा हमने ड्रॉप नहीं की क्योंकि सोसाइटी के बीच में चलानी होती है, यहाँ पर जंप्स बहुत बड़े हैं, स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसमें हैवी रेगुलर ड्राइवर है। हाँ, और ये डेली ड्राइवर पे हमने रखी है इसलिए हमने इतनी ज़्यादा ड्रॉप नहीं की। अच्छा भाई, तो बैक पे आए तो बैक पे इसकी क्या क्या मॉडिफिकेशन है? बैक पे इसकी टेलर टेंट है पहले तो, दूसरा स्पॉयलर्स लगे हुए हैं, स्पॉयलर्स के साथ एग्जॉस्ट है इसका, एग्जॉस्ट के अलावा स्ट्रेट पाइपिंग आपको बताइए हुई भी है, 2.5 इंच की स्ट्रेट पाइपिंग है फिलहाल, बस बैक पे यही है अभी। और हमने इसको कम्प्लीटली स्ट्रेट पाइप नहीं करवाया, एक टूटा हुआ दिल भी लगाया हुआ है। अच्छा, टूटा हुआ दिल भी भाई ने पीछे लगवाया हुआ, पूरा दिल लगाया भाई ने पीछे इसके। स्ट्रेट पाइपिंग हमने प्रॉपर पूरी इसलिए नहीं करवाई क्योंकि जहाँ पे भाईजान रहते हैं वहाँ पे ये अलाउड नहीं करते, इतना ज्यादा रोना बर्दाश्त नहीं करते लोग, हार्ट पेशेंट बड़े हैं। इनके घर के साथ ही हार्ट पेशेंट रहते हैं, इसलिए भाई ने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करवाया, जान पूछ के हार्ट पेशेंट। अच्छा, तो ये तो हो गया गाड़ी का एक्सटीरियर का थोड़ा सा ओवरव्यू, अब आपको गाड़ी के अंदर से गेड़ा करवाते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी गाइस, ये हाल चाल है, हम बैठ गए गाड़ी के अंदर क्योंकि भाई जरा अनकंफर्टेबल हो रहा था, गाड़ी रिव्यू यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। गाड़ी के अंदर आपको ज्यादा खास कुछ दिखाने के लिए है नहीं, जो जो मॉडिफिकेशन है वो भाई बताते जाएंगे, मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो भाई जान, सबसे पहले मुझे स्टीयरिंग का बताएं, आपने क्या क्या करवाया? स्टीयरिंग है मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, और ये कन्वर्ट करवाया हमने, कन्वर्ट करवाया, ओरिजिनल नहीं आता इसमें। उसके बाद साउंड सिस्टम लगा हुआ है, मतलब LCD लगी हुई है, बस ज्यादा कुछ नहीं है इंटीरियर में, कुछ भी नहीं कराया इंटीरियर हमने, ज्यादा सिंपल ही रखा हुआ, सिंपल रखा है, डिसेंट सा रखा हुआ, बस हमने एक कारपेट टाइप सा जो हुड कारपेट होता है ना वो डाला, हुड कारपेट कहते हैं इसको, कहते हैं डैशबोर्ड कारपेट, ये रखा हुआ हमने। तो भाईजान गाड़ी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स लेते हैं, गाड़ी की भाईजान आपने ली कितने की पहले ये बताएं? ये मैंने ली है 1975 की, 1975 की, और अभी तक आपने इसके ऊपर कितना रोकड़ा लगा दिया? मेरा अभी तक लग गया होगा ज्यादा पैसे तो मेरे रिम पे लगे हैं, मतलब तीन दफा जो चेंज किए हैं, ज्यादा पैसे मेरे रिम पे लगे हैं। टोटल बता देना अभी तक कितना लग गया? 5 लाख लग गया, 5 लाख आपने ऊपर लगा दिया, तो तकरीबन आपको 2475 की पड़ गई तकरीबन। तो इसी प्राइस रेंज में, मैं अभी सुनील भाई को कॉपी करने लगा थोड़ा सा, इसी प्राइस रेंज के बीच में आपको और ऑप्शंस नहीं मिल रही थी? नहीं मिल रही थी मुझे, असल में एक एवरेज भी चाहिए थी और सॉरी थी लुक भी चाहिए थी, तो उसके लिए सर करोला ही बेहतर थी। आज ये एवरेज वाली एक RS वेरिएंट, हां वो रिबॉन भी देखी थी हमने, 1975 की वो भी मिल रही थी, वो मैनुअल गियर के साथ 6-speed ट्रांसमिशन थी वो जी। तो वो क्यों नहीं लिया आपने? एवरेज, हां एवरेज के मामले में वैसे
और गाड़ी की ट्यूनिंग के ऊपर आपने कितना पैसा लगाया और ट्यूनिंग के ऊपर क्या क्या करवाया आपने, ट्यून कहाँ से करवाई और कैसे करवाई है जरा बताइए। पॉप्सन बैंक का बड़ा शौक था हमें, हम पहले बंदा ढूंढते रहे, हमें मिला नहीं, उसके बाद इसने नाडो का ब्लॉग देखा। हाँ, हमने उजाफा भाई का ब्लॉग देखा। हमने एचपी परफॉर्मेंस से करवाई है, शानी भाई से करवाई है हमने, मतलब बड़े अच्छे बंदे हैं। तो ये मेरा तकरीबन रीमैप पे लगा 20,000 20K, और ये ऑलमोस्ट हर गाड़ी को हो जाता है, ये भी थोड़ा सा बता देता कि होता है करोला वगैरह, मेरी गाड़ी में नहीं होता, मैंने ट्राई किया था और उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं भैया, आप पहले 2,00,000 रुपया लगाए, इंजन नया डाले, उसके बाद 20,000 रुपया हमें दें तो फिर ट्यून करके देंगे, वैसे नहीं हो सकता। खैर, तो ये थोड़ा सा हमने गाड़ी के बारे में आपको और बताया, रिव्यू जरा ऊपर नीचे ही हो रहा है, प्रॉपर रिव्यू तो नहीं है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है कहीं से भी आप हमें बता दीजिएगा कि किस तरह के आपको व्लॉग चाहिए। अच्छा भाई, तो ये था एक छोटा सा रिव्यू, मुझे पता है कोई इतना खास रिव्यू नहीं था, ये पहला रिव्यू था मेरा गाड़ी का, और गाड़ी तो बड़ी मजे की थी लेकिन रिव्यू हमें करना आता नहीं है, ट्राई मारी है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे बता दें कमेंट्स में, लाइक करें। और भाईजान, गाड़ी माशाल्लाह आपने बड़ी प्यारी तैयार की है, बड़ा पैसा उड़ा है आपने इस पे, और ज्यादातर आपको शोज पे मेरी बनी रॉकेट तो नहीं नजर आएगी क्योंकि वो फिर से ठुक गई है उसका दरवाजा मैंने खराब कर दिया, फिर से उसका भी एक ब्लॉग मैं बनाऊंगा लाजमी, यूट्यूब पे कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही है भाई लेजी बड़ा है और दूसरे काम बड़े पड़े हैं मेरे। दैट इज फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वन, बस सी आउट। बाय, मोग गया।